देखिए पासी बिरादरी का है जो कि ठाकुरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए पासी बिरादरी का है जो कि ठाकुरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
आज अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा गया है, इसलिए हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं और लगातार आंदोलन करते रहेंगे। जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाता तब तक हम आंदोलन करेंगे और डीएम साहब को यहाँ आना पड़ेगा। जब तक डीएम साहब यहाँ पे नहीं आते तब तक हम इस आंदोलन से और हटने वाले नहीं हैं। इस ग्राम सभा का मामला है सिमरा ग्राम सभा का मामला है। ठाकुर दबंग टाइप के लोग थे जो कि पासी बिरादरी को मार के हत्या कर दी और लगातार यही सिमरा की नहीं बात है और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार पासियों पे दिन रोज हत्याएं की जा रही है। उनके बहन बेटों साथ बलात्कार किया जा रहा है। यही बगल का एक घाघरा ग्राम से बताऊँ श्रद्धा भारतीय बलात्कार करके हत्या कर दी गई। यहाँ गणेश पासी की हत्या कर दी गई। अभी प्रतापगढ़ में एक पासी की हत्या कर दी। यहाँ आजमगढ़ में पासियों के साथ छेड़छाड़ किया गया। तो सब में लगातार उत्तर प्रदेश में पासियों के साथ रोज अन्याय और हत्याएं हो रही है। परिचय, मेरा नाम गुड्डर राजपासी बहुजन युवा एकता मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस मामले को लेकर हम यह कहना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से योगी राज में पूरे उत्तर प्रदेश में इस देश के लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, लोगों की आए दिन हत्या हो रही है, अपना दुख दुखड़ा कहने में भी लोगों की हत्या कर दी जा रही है। इस मामले को मैं देख रहा हूँ, सुबह से आया हूँ, कोई वहाँ झांकने के लिए नहीं गया और हत्या आरोपी खुलेआम भागे हुए हैं। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। न्याय मांगने के लिए कहाँ तक जाएंगे आप? न्याय मांगने के लिए हम लोगों ने इस सरकार से और राष्ट्रपति महोदय से मैंने न्याय के लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी तैयार किया है कि पूरे परिवार, इस परिवार को चार बेटे हैं, केवल एक लड़के की शादी हुई है गणेश प्रसाद के लड़के की, तीन लड़के अभी शादी करने के लिए, एक लड़की शादी करने के लिए बची है। मैं परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करता हूँ, एक नौकरी की मांग करता हूँ, तो लाइसेंस की मांग करता हूँ, जमीन की मांग करता हूँ। अगर ये पूरा नहीं होता तो केवल यहाँ 700 में नहीं, इसे हम लोग अगर पूरे प्रदेश में लड़ने का काम किया जाएगा तो भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी पुलिस प्रशासन के लिए क्या, मतलब पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? देखिए, यह सरकार जब जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है, इसलिए पुलिस हमको चाहती है कि दबाना चाहती है, हमको मुकदमे का डर देना चाहती है, धमकाती है, तो पुलिस भी हमारे साथ में नहीं है। पुलिस कहती है कि अगर ये ठाकुर ब्राह्मण का मामला होता तो रोड पर नहीं आते। अरे, उनका काम तो बिना आए हो जाता है तो कैसे आएंगे? तो पुलिस के अंदर भी दोहरा चरित्र है। आपका परिचय? मैं प्रदीप माही, युवा नेता बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश।